नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह और शुरुआत करते हैं अब तक की महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। सीने में तकलीफ, पार्थ ने इशारे से कहा। मंत्री पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस के जरिए SSKM से भुवनेश्वर एम्स में ले जाया गया। मीडिया द्वारा जब उनसे पूछा गया कि वे कैसे है, तो पार्थ चटर्जी ने सीने पर हाथ रखकर केवल इशारे में समझाने की कोशिश की। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों का गुस्सा पार्थ को देखकर भड़का। एम्स के बाहर पार्थ के खिलाफ नारे लगाए गए। अतएव हमारा छेले पढ़ाची और शिक्षक मंडली द्वारा हमारा छेले पढ़ाई नहीं। अरे दुर्नीति के लिए अरेस्ट हुआ, लड़का लड़की चाकरी पावर मत तारा 456 दिन 57 दिन अनशन करते बसे रहे, तादेर एकदम सुष्ठु सम्पूर्ण विचार चाय। एवं शुधु पार्थ चट्टोपाध्याय ना, पार्थ चट्टोपाध्याय थेकेओ जारा आछे माने कान टेनेछे, एबार माथागुलोके जेनो टाना हय, एइटाई ईडिर काछे आमादेर आवेदन। ईडिर काछे आमादेर फल्स कारण तृणमूल का SSKM तृणमूल का रिसोर्ट है, तृणमूल का नेता मंत्री जो दुर्नीति के लिए गिरफ्तार हुआ उसके लिए SSKM उठ बनवा। अच्छा यही चाहिए, हमरा तो चाहिए एटा होक, धरा पड़ुक अन्याय, धरा पड़ुक चोर, धरा पड़ुक चोर, धरा पड़ला हमारे भविष्य, जदि छेले मेयेदेर भविष्य फिरे पाई। जोका के ESI हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के बाद आज फिर कोर्ट में पेश होंगी अर्पिता मुखर्जी। ईडी हिरासत की करेंगी मांग। कोविड से 6 की मौत, 1817 नए मामले। राज्य में कोविड से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1817 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 14,646 सैंपल टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 12.41% दर्ज की गई है। वहीं कोलकाता में एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले आए हैं, दूसरे स्थान पर बीरभूम है। अब लोकल में सफर करना नहीं होगा बोरिंग, कोच में लगे LED TV। मुंबई के बाद आज से हावड़ा में लोकल ट्रेनों में ट्रेन इन्फोटमेंट, प्रत्येक कोच के दोनों साइड में 27 इंच की 2-2 LED TV लगाई जाएगी। इन्फोटमेंट सर्वर के जरिए चलेंगी टीवी, मोबाइल पर भी मिल सकेगी सुविधा। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। पानीहाटी में समाज विरोधियों ने की दुकान में तोड़फोड़। पानीहाटी के बिलकंदा में रविवार की देर रात पूर्व पंचायत प्रधान रॉबिन गांगुली के कम्युनिटी हॉल सहित इलाके के कई दुकानों में समाज विरोधियों ने तोड़फोड़ मचाई। घटना को केंद्र कर इलाके में भारी तनाव फैल गया। आरोप है कि वसूली नहीं देने के कारण समाज विरोधियों ने ऐसा किया। CCTV माध्यम में देखते पेलाम कि 6 जन छेले हमारी पाड़ार छेले, तार मध्ये जादेर जादेर CCTV ते भालो भावे चेना गेछे 6 जन एलाकारी दुष्कृती, आमार सब एलाकारी, कि करेछे एसे निश्चयई मद्यक अवस्थाय छिल, এবং এরা শুধু আমার এখানে আজকে নয়, এবং প্রতিদিন প্রায় রাত্রি এরা গতকাল রাত্রিরে এখানে এসে মদ খেয়ে মদের সমস্ত বোতল নিয়ে এখানে ইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এত ইট পড়ে আছে, এইসব ইট নিয়ে আমার এই কাচের উপর অত্যাচার করেছে এবং ভাঙচুর চালিয়েছে। সামনে আরেকজনের বাড়ি আছে আমাদের আমাদের সতপুর হাই স্কুলের পণ্ডিত সনদ ব্যানার্জির বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। এখানে একটি ভাস্বতী অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে, সে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভেতরেও ভাঙচুর চালায়। কেন এবং কিসের জন্য করলো এটা আমরা বুঝতে পারছি। এক নজর ডালতে হ্যায় দেশ দুনিয়া সে জুড়ি খবরো পর। দ্রৌপদী মুর্মু নে সংসদ ভবন মে রাষ্ট্রপতি পদ কি শপথ লি, দেশ কি 15বি রাষ্ট্রপতি বনি। इस दौरान उन्होंने गरीब से लेकर युवा और महिलाओं तक का जिक्र किया, इतिहास से लेकर आजाद भारत के विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला। वे बोले, मेरे लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में
भारत की साख बढ़ाया है। महानगर व देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।